तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई आज हमारे पास है TVS रेडॉन, आप देख सकते हैं, और ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ E20 पेट्रोल के साथ। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका टेस्ट राइड रिव्यू, जिसमें आप लोग को मैं बताऊँगा कि TVS रेडॉन आप लोगों के लिए कैसी है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। अभी मैं इसको हाईवे पे लेके चलता हूँ और आपको फुल टेस्ट राइड रिव्यू दे दूँगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे आपको एक डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा, आपको फ्रंट में कुछ इस तरीके से प्रोफाइल मिलेगा। उससे पहले आपको मैं टेस्ट राइड दिखाता हूँ कि इसका माइलेज क्या सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई बैठ जाते हैं। तो ये है, स्टार्ट हो गई है। अब लगाते हैं इसका फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ। तो भाई अभी ये हो गई है स्टार्ट, और इसका मैट 110 सीसी में आता है। अगर बात करें इसकी पावर की भाई, 8.8 bhp का पावर। टॉर्क की बात करोगे 8.07 nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा सा उस हाईवे पे चलता हूँ। नेशनल हाईवे है, उतना इसमें बिजी रहता है। बाकी यहाँ पे दिखाऊँ तो सबसे पहले एक बार इनिशियल पिकअप देता हूँ इसका। ये देखो भाई चल रही काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे पिकअप बना लिया। अभी देख सकते हो कितने स्पीड में ये पिकअप आ गई है। और इसका टॉप स्पीड की बात करोगे तो भाई ये 90 इसका टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। बाकी अभी देख सकते हो 76-78 आपको चली गई है। बट इसको मैं ज़्यादा नहीं भगा सकता, क्योंकि यार कंपनी का अभी लेटेस्ट है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। जितना कम स्पीड भगा सकते हो उतना भगाओ। अगर बात करें इसका राइडिंग, जैसा मैं आपको हैंडल की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो हैंडल आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, काफ़ी बेहतरीन। और लीवर की बात करो, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, तो आपको क्रोम की फिनिश का नहीं, सिल्वर की फिनिश के साथ मिलेगी, जो आप देख सकते हो। बाकी ORBM कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी बेहतरीन लगते हैं दोनों ORBM, काफ़ी मस्त लगते हैं। और यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको टाइमिंग गियर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से अपना USB चार्जिंग, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को, हैंडल पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैंक आपको यहाँ पे देखोगे तो टैंक कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे 10 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें माइलेज की, तो इसमें भाई माइलेज 65-70 का माइलेज देखने को मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे अगर मैं बात करूँ इसका जो कंफर्ट है, कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन लगा। और जैसे सस्पेंशन की बात करोगे और सारी चीज़ें, तो काफ़ी बेहतरीन है। एक बार मैं इसका क्या करता हूँ, ब्रेक टेस्ट करता हूँ। अभी थोड़ा सा 60 पे इस पर लेके जाकर अचानक से इसका ब्रेक मारता हूँ। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, तो एक बार इसका ट्राई करते हैं कि एक बार ब्रेक देख लेता हूँ। थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई इनिशियल ब्रेक, तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक बार इसका लुक की बात कर लेते हैं और सारे फीचर। तो यहाँ देखें, अगर बात करें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको TVS का ये देखने को मिल जाएगा। बाकी आप बात करें यहाँ से, आपको ये हेडलाइट ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये बटन देखने को मिल जाता है इसको DL को ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी ये जलता हुआ दिखाई देगा। बाकी टायर सेशन की बात करोगे तो यहाँ पर आपको ये ट्यूबलेस टायर, फ्रंट और रियर में ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ से टायर प्रोफाइल। फ्रंट में आपको डिस्क, फ्रंट में आपको ड्रम मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिलेगा, लेकिन आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का साथ देखने को मिल जाएगा। और इंजन पे आप देखोगे काफ़ी कुछ इस तरीके से फीचर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे TVS रेडॉन FI आपको देखने को मिल जाता है। सीटिंग कम्फर्ट की बात करोगे तो ये आप देख सकते हो, सीटिंग काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पे आप इसकी अच्छी चीज़ें लगी। आप कुशन की बात करो, ये देख सकते हो, तो काफ़ी कुशन काफ़ी शानदार है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है, अगर आप लेडीज़ के साथ जाते हो तो आपको सामान भी रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे आपको या पकड़ सकते हो या फिर यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हो भाई, बांध के रख सकते हो। यहाँ ड्यूरा लाइफ आपको देखने को मिलता है, पीछे से कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सामान आप रख सकते हो। और पीछे से बात करोगे तो पीछे से कुछ इस तरीके से प्रोफाइल दिखता है, जो कि और इसका टेल लाइट आप बात करोगे तो अगर की ऑन रहेगा तो इसका टेल लाइट नहीं जलेगा। अभी दिखाते हैं, देखो की ऑन है तो नहीं जल रहा। ये सारी फीचर हैं। और यहाँ पर एग्जॉस्ट की बात करोगे, एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एक बार अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा एग्जॉस्ट भी, और सारी चीज़ देखोगे तो एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ इसका एग्जॉस्ट। न्यूट्रल है, साइड इंजन का टाप भी देखने को मिलता है। तो ये है भाई इसका साउंड, साउंड भी काफ़ी दमदार है। अगर बात करें इसका सस्पेंशन, तो अभी मैं आपको यहाँ से टेस्ट राइड और लेता हूँ और आपको सस्पेंशन भी दिखाता हूँ कैसा है। तो बैठ जाओ भाई, ये देखो स्टार्ट कर लिया हूँ। एक बार सस्पेंशन की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा।
थोड़ा सा मिरर एडजस्ट, हाँ मिरर हो गया भाई। अब देखो सस्पेंशन की बात करोगे तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन इस पे देखने को मिल जाएगा। हम अभी दो बंदे बैठे हुए हैं, फिर भी जो कंफर्ट देखने को मिलता है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो मैं गड्ढा कुदाता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा सा। अब देखो नेशनल हाईवे है तो उतना मतलब आपको गड्ढा नहीं देखने को मिलेगा जो कि आपको मैं रियलिटी दिखाऊँ। हाँ लेकिन हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो ये है सारी फीचर। अगर बात करें आपको कहाँ पे ये मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं, तो भाई आपको खैलाबाद शोरूम पे देखने को मिल जाएगा अभिजीत मोटर से। तो यहाँ से आप ले सकते हो। अगर बात करें इसकी प्राइस की ऑन रोड, तो ये 84,148 रुपये ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, और E20 पेट्रोल वाला भाई मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। और इसका टॉप स्पीड वाला वीडियो शूट होने वाला है, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून बने रहें, जिससे मैं आप लोग को इसका टॉप स्पीड वाली वीडियो मैं आप लोग को प्रॉपर दिखा पाऊँ। आई होप वो अपलोड भी हो चुकी होगी, जब तक ये आप वीडियो देखोगे तो एक बार आप चेकआउट कर लेना। तो ये था रहा आज के लिए वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह कंटेंट देखने के लिए।